तो नमस्कार, मैं दीपेश पटेल और आप देख रहे हैं राजनीति मंच। आज मेरे साथ सूरज सर मौजूद हैं, ये दिल्ली और मुखर्जी नगर में है ना। तो जैसे मैं रूम पे आया इनके, तो अध्यात्म से रिलेटेड मतलब कुछ जानकारी मैं साझा करना चाहूँगा। और इधर भागवत गीता पुस्तक रखा है और सामने भी है भागवत गीता, और ऊपर तस्वीर भी लगा है भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का है ना। तो मैं अध्यात्म से रिलेटेड सर से जानकारी जानना चाहूंगा। और तो नमस्कार सर, स्वागत है मेरे चैनल में। जय श्री राधे कृष्ण। सर मतलब जैसे आजकल अध्यात्म का काफी विरोध चलता है ना, आप देख रहे होंगे कि मतलब कोई बुद्ध की ओर जा रहा है ना, या तथाकथित मतलब भीम को या भीम राम अम्बेडकर के जो मतलब अनुयायी हैं, वो इस चीज को मतलब ज्यादा विरोध करते हैं धर्म को लेकर के, पाखंड बताते हैं। तो इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? भीमराव अम्बेडकर साहब, डॉक्टर अगर कोई उनसे बोलने से पहले नहीं लगा रहा है ना, तो पाप कर रहा है मेरी नजर में। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो शख्सियत है ना, वो किसी भी ईश्वर से कम नहीं है। बस उन्होंने कोई ऐसा चमत्कार नहीं दिखाया जो दैवीय रूप धारण कर सके, कि हाथ से किसी को सुंदर बना दिया या हाथ से किसी को उठा के पटक दिया, ऐसा नहीं किया। लेकिन उन्होंने किसी भी देवता से कम काम नहीं किया। तो ये तो कहना ही गलत है कि भीम सेना और ये सब, भीम सेना बनाकर और भीम 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 करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान ही किया जा रहा है। उनकी ही समाज, जो मैं नहीं मानता, तथाकथित समाज से बिलोंग मेरे कुछ दोस्त करते हैं, उनसे बात करने के बाद खुद ही पता चलता है कि जो भीम सेना के पक्षधर है ना, उन्होंने भीम को कोई पढ़ाई नहीं, उन्होंने डॉक्टर को कोई पढ़ाई नहीं कि डॉक्टर साहब कहना क्या चाह रहे थे। जिस संविधान को डॉक्टर साहब ने बनाया, उन्होंने खुद कहा था कि मेरा वश चले तो मैं संविधान को फाड़कर आग लगा दूंगा, भारतीय संविधान। क्योंकि भारतीय संविधान में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी वो अस्थाई थी, कुछ समय के लिए थी। वो इतने पढ़े लिखे थे, उन्हें पता था कि भारतीय समाज की जो राजनीति है ना, वो इस आरक्षण का सहारा लेकर इस देश को अपंग बना देगी, इस देश की लगभग 30-40% जनसंख्या को गुलाम बना देगी आरक्षण का, और बैसाखी का सहारा दे देगी, और बैसाखी से चलने वाले लोग आंधियों में काम नहीं कर पाते, तूफानों में सह नहीं पाते, टिक नहीं पाते। तो जब जब देश में बराबरी की लड़ाई होती है तो आरक्षण लोगों को कमजोर कर देता है। तो भीम की प्रति धर्म की भावना से जाने वाले, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले, वो समझते नहीं कि धर्म क्या है। धर्म बेसिकली तिलक लगाना नहीं है, ये एक संप्रदाय की पहचान है। चुटिया रखाना, शिखा रखाना, तिलक लगाना, या मूछ कटवा के दाढ़ी रखाना, या सफेद कुर्ता पहनना, ये एक संप्रदाय विशेष की पहचान आपको देते हैं कि आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आपको दूर से ही पहचाना जा सके कि आप फला फला धर्म से या संप्रदाय से बिलोंग करते हो। लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जो परंपरा है, उसमें धर्म का मतलब होता है अपनी आत्मा की यात्रा करना, अपने सिद्धांतों को धारण करना, अपने आदर्शों पर चलना। आदर्श कौन है? जैसे श्री राम ने पिता की आज्ञा के लिए कठोर तपस्या की, भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श स्थापित किए, धर्म को धारण किया और आतातायियों का वध किया और उसके लिए समाज की सेवा की। लेकिन आज के जो धर्मावलंबी है, आज के जो धर्म के नाम पर ठेकेदार भाषण देने वाले हैं, वो कौन सा काम कर रहे हैं? किस आतातायी को हटा रहे हैं रास्ते से? वो सिर्फ दो धर्मों में लड़ाई करवा रहे हैं, जो धर्म दो धर्म के अनुयायियों को लड़ा रहे हैं, न कि समाज से गरीबी हटा रहे हो, न कि समाज से बीमारियों को हटा रहे हो, जो ढोंगी टाइप के व्यक्ति हैं। अरे कृष्ण को देखो तो सही, उसने किया क्या था? ईसा मसीह को देखो तो सही, उन्होंने किया क्या था? ईसा मसीह के काम को तो देखो, जो अपने इस्लाम धर्म से हैं, उनके पैगंबर जो है मोहम्मद साहब, उनकी लाइफ को तो देखो, वो जिए कैसे थे? वो तुम्हारी तरह नहीं जिए थे। श्री राम, जय श्री राम के पवित्र नाम को जिन्होंने एक ऐसा नाम बना दिया, जय श्री राम कहते ऐसा लगता है कि आतंकवादी आ गए, वो तुम उस मिनट ऐसे अल्लाह अकबर कहने के बाद लगता है कि कोई पक्का आतंकवादी है। उन लोगों ने इसका यूज कर लिया है जिन लोगों को जीने का ही अधिकार नहीं है, समाज धरती को जितना दूषित कर रहा है। तो धर्म बहुत गहरा विषय है, उथले लोगों को और छिछले लोगों को इस पर बात नहीं करनी चाहिए।
इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपको समाज में कोई भी कांड करना है अपने धर्म पर कीजिए, धर्म को आड़ में मत लाइए, क्योंकि धर्म लेके सजग रहने की आवश्यकता है। और जो लोग समझ जाते हैं, सब आप भी समझते हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, कौन धर्म को लेकर बकवास कर रहा है। तो जैसे अभी के जो कथावाचक हैं, आप जैसे आप हिंट दे ही रहे, तो पूछ ही लेते, बस नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं लेना चाहूंगा, जैसे बहुत से कथावाचक है अभी जो कथा करते हैं और पैसे लेते हैं, है ना, तो वो मतलब बोलते ऐसा है कि धन संपत्ति में मत जाइए, ये चीज ये मत करिए, वो करिए, और वो खुद फरारी में कर चलते हैं। जय किशोरी जी हैं जैसे, वो उनका एक बयान था कि मतलब जो आईफोन लेटेस्ट आता है हम वो लेना पसंद करते हैं, और वो लोगों को बताते हैं कि धन संपत्ति एक मोह माया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको कहते हैं कथनी और करनी में भेद, साहित्य की धर्म की भाषा में, कि जो उपदेशक है ना, उसका कर्म और उसका शब्द दोनों एक होना चाहिए, उसका बहुत बड़ा कर्तव्य है इस बात को धारण करना। लेकिन आजकल के जो कथावाचक हैं, उन्होंने शुरुआत इसलिए नहीं की थी कि उन्हें हरि से प्रेम था, उन्हें ईश्वर से प्रेम था, उन्होंने एक व्यवसाय समझ के इसकी शुरुआत की कि एक अच्छा व्यवसाय है और हमारे अंदर कला है तो हम इसे कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उनको बहुत सम्मान मिला, पॉपुलरिटी मिली, पैसा मिला, पैसा मिला तो उसका भोग कर रहे हैं। लेकिन अब वो उस स्टेज पर भी पहुंच गए, पढ़ते पढ़ते समझते समझते कि वो अपने आप को एक संत के दृष्टिकोण से भी दिखाने लगे। तो दिखा तो रहे एक संत महात्मा या एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर का अनुयायी है, लेकिन शुरुआत जो आधार था वो धन था, व्यवसाय था, फेम था, नेम था। तो अब उनकी भी कमी नहीं है। मैं अनुरुद्धाचार्य का नाम लेना चाहूंगा, वो कथा कहते वक्त कई ऐसी बातें कहते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे देवकी नंदन ठाकुर जी शायद नाम, वो हमेशा ट्रोल होते रहते हैं, कोई ऐसी बात कहते हैं जिसका कथा से कोई संबंध ही नहीं है। ईश्वर चरित्र से, ये हरि कथा से कोई लेना देना नहीं रहता। जैसे एक व्यक्ति ने कहा था कि साहब ये बताइए अनुदाचार से कि यहाँ तो भगवान रहे थे ब्रज में, मथुरा ब्रज बरसाने क्षेत्र में, भगवान जा रहे हो वहां की भूमि का पानी खारा कैसे हो सकता है? क्योंकि वहां का पानी ना थोड़ा, मथुरा क्षेत्र का, वहां सूखा भी रहती है, वर्षा भी बहुत कम होती है पूरी यूपी में, सबसे ज्यादा कम वर्षा भरतपुर मथुरा आगरा वाले एरिया में होती है, तो यहाँ तो अच्छा रहना चाहिए था और खारा पानी क्यों है? तो खारे पानी पर अनुदाचार्य कहते हैं कि जब कन्हैया जी गए राधा जी को छोड़कर वृंदावन और बरसाने से मथुरा के लिए, तो राधा जी और अन्य सखियां इतना रोई कि यहाँ का पानी खारा हो गया। वो इंसान भाई माइक भाई कैमरा ये कह रहे हैं कि इस वजह से खारा पानी हो गया, तो बताओ कोई कैसे इस धर्म को धारण करेगा? मैं तो इस धर्म को कभी धारण नहीं करूंगा, ये धर्म ही नहीं, मैं खुद नहीं करना चाहूंगा। जैसे देवकी नंदन ठाकुर जी की कई बयान मतलब सामने आता है, हमेशा ट्रोल होते रहते हैं। हाँ, तो ये ठीक नहीं है। मैं जो लोगों वास्तव में इस चीज को धारण करना चाहते हैं, राजेश्वरानंद एक महाराज है, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, और अखंडानंद सरस्वती एक संत हुए परमहंस, उनको सर्च कीजिएगा, रामकृष्ण परमहंस की ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है यूट्यूब पर, उनको पढ़िए। कथा आपको सुननी ही है तो एक श्री हित अम्बरीश नाम के एक संत टाइप के हैं, हमारी तुम्हारी उम्र के ही हैं, 35 साल के आसपास होंगे, उनकी कथा सुनिए, प्रेमानंद महाराज को सुनिए, इन नौटंकीवादियों को मत सुनिए, और सुनने से ज्यादा मैं कहूंगा फिर कि आप भागवत कथा खरीदिए, 500 रुपए की आती है, पढ़िए, खुद पढ़िए, घर पर खुद पढ़िए, किसी को सुनने की जरूरत नहीं। आपको इन लोगों को तो कम से कम मत सुनिए, जो मैंने नाम लिया आप उनको सुनेंगे तो आप बहुत बेहतर हद तक चीजों को समझ सकते हैं और अच्छे अर्थों में धारण कर सकते हैं। कुछ लोग भाई देखो हर डिपार्टमेंट में, ये धर्म का ही नहीं, अपने भौतिक दुनिया में भी आईएएस ऑफिसर बनते हैं, कुछ भ्रष्ट भी होते हैं, कुछ नेता है कुछ भ्रष्ट भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो ये कथा धर्म का क्षेत्र है, इन दो कोई पकड़ ले और कहें कि कथा ही गलत है या धर्म ही गलत है, ऐसा नहीं होता। ये दो लोग मान लो गलत है तो क्या कर सकते हैं, अच्छे लोगों को तुम चुन लीजिए। जैसे एक एमपी से अभी निकले हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उन मतलब वो अपने स्टार्टिंग से जब चर्चा में आए थे तो वो अपने अलौकिक शक्तियां कि हमारे पास बजरंगबली की कुछ शक्तियां हैं, उनके परम शिष्य हैं, तो इस चीज को लेकर मतलब आप क्या लगता है कि मतलब ये आज के टाइम पे मतलब इस युग में कलयुग में होना संभव है? हाँ संभव है, जितना मैंने शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, ये सिद्धियां आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
कोई व्यक्ति नियम धर्म के साथ चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मैं आप कोई भी सच में 10-20 साल 15 साल 12 साल का नियम बताया जाता तपस्या करता है तो ये बहुत छोटी सी चीजें हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि साधक को सिद्धियां तो उपहार में मिलती हैं, सिद्धि साधक का विरोधी है। बेसिकली जो ईश्वर प्राप्ति की यात्रा पर निकलता है उसके यात्रा का विरोध कौन करता है पता है? ये सिद्धियां, जिन सिद्धियों को पाकर ये लोग नाम कमा रहे हैं, ये इनके ही विरोध में है सिद्धियों की जो कथा है। तो सिद्धियां आना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सामान्य बात है और ये आना बिल्कुल सही है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास सिद्धियां हो इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अब वो सिद्धियों से कर क्या रहे हैं ये मैटर करता है। वो भी तो कमा पैसे ही रहे हैं ना, कमा तो पैसे रहे हैं, जेट में चलते हैं, कमा तो पैसे रहे हैं, लेकिन पैसा कमाना बहुत बड़ी बुराई नहीं है। आज के टाइम में हर कोई पैसा कमाता है, ये भी समझना चाहिए पैसा कमाना बहुत बड़ी बुराई नहीं है, लेकिन आप औरों से मत कहिए फिर कि धर्म धन को हाथ मत लगाइए या पैसे के पीछे मत भागिए। भाई जब तुम उस पैसे को यूज कर रहे हो, उसी लग्जरी लाइफ को तुम जी रहे हो, तो मना करने के अधिकारी नहीं हो फिर। ये जरूर है कि लोग जो मना करते हैं तो गलत तरीके से मना करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। बिना पैसे के क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो जैसे आपने बोला कि मतलब मेरे बात अपने बातों को समर्थन कर रहे हैं उन बातों का कि उनके पास सिद्धियां मतलब हो सकता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उनके पास सच में सिद्धियां प्राप्त है, अगर कोई भगवान होते हैं आज के टाइम में और उनसे अगर उनको शक्तियां वरदान जो भी कहें प्राप्त होता है, तो वो जैसे मतलब आज वहां पे उनके मतलब जो उनका प्रांगण है या उनका जो वो लगता है दरबार लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, तो वहां पे बहुत सारे लोग वो जाते हैं, विकलांग लोग जाते हैं कि ठीक होके आएंगे, अपना अर्जी करते हैं। तो मतलब अगर उनके पास सच में सिद्धियां हैं तो भारत में इतने मतलब कष्ट हैं तो वो मिटा के भी देते। बात तो आपकी सही है कि भाई सारे कष्टों को मिटा दो तुम, फिर तो सिद्धि प्राप्त कर लिया आपने, आप तो हर किसी को ठीक कर सकते हो। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, भगवान श्री राम जब अवतार लेके आए, भगवान कृष्ण जब अवतार लेके आए, तो सबके दुखों को तो वो भी नहीं हर पाए। कर्मे मेटे कर्म ही मेट सके नहीं राम, ये चौपाई है रामायण की। कर्म को कर्म मेटता है, राम नहीं। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी यही तो फंस रहे हैं। तुम कैसे जादू से किसी को ठीक कर सकते हो जो उसके कर्म में ही भोग लिखा है? तो अगर कोई उनसे वास्तविक प्रश्न करे कि महाराज जी क्या तुम भगवान की जो सिस्टम है उसमें हस्तक्षेप करने के लिए आए हो यहाँ पर, क्या तुम्हारी इतनी औकात या हैसियत या इतनी पावर है तुम्हारे पास कि तुम्हारे मेरे भाग्य में लिखा है कैंसर, मैंने कर्म किए कैंसर के और तुम कह रहे हो मैं तेरा कैंसर ठीक कर दूंगा, तात्पर्य क्या है आपका? आप मेरे कर्म के भोग को बदलने की सामर्थ्य रखते हो, ये प्रश्न उनसे कोई करता ही नहीं है। हाँ, या तो फिर एक बात से हो सकता है कि या तो कर्म गलत है या तो आप गलत हो। गलत हो अगर कर्म का सिद्धांत सही है जो ईश्वर ने कर्म निर्वाधिकार रखते मा फलेषु कदाचन हो वही जो राम रच रखा, कर्म कर्म कर जो ईश्वर ने कहा है कर्म कर, तेरा कर्म में अधिकार है, हल्की इच्छा मत कर, ये जो सिद्धांत है इस पर जब संत रिसर्च करते हैं, संत लोग जो महान त्यागी संत है, विवेकानंद जैसे संत है, प्रेमानंद बाबा जैसे संत हैं, और भागेश्वर धाम वाले आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा, यहाँ ही तो पेच गड़बड़ कर गया उनका। उनको सिद्धियों का प्रयोग लोगों को आध्यात्मिक बनाने में करना था, उनको सिद्धियों का प्रयोग लोगों को स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ाने में करना था, उन्होंने लोगों के रोगों को ठीक करने में कर दिया, वो राजनीति में अब कूद गए। तो ये इसीलिए तो धर्म को थोड़ा सा आप जय श्री राम तलवार निकाल लो भाले निकाल लो, अरे भैया ये छत्री मैं वर्ण व्यवस्था का इतना बड़ा समर्थक नहीं हूँ, लेकिन तलवार निकालने का काम हमारे सैनिकों का है, भाले निकालने का काम हमारे सैनिकों का है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस वालों की है तुम्हारी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी कथा करने की है, तो बिना पुलिस वालों की सुरक्षा के तो कथा नहीं कर पा रहे हो, तुम कह रहे हो भाले निकाल लो, सुरक्षा वास्तव में पुलिस वाले करेंगे, तुम नहीं कर सकते। और न तो कैसे हो सकता है ऐसा कि कोई किसी को काट के खा जाए, असंभव है यार, कुछ नहीं हो सकता, ये सब नौटंकी बाज है और ये भीड़ है, 150 करोड़ लोग हैं, ऐसा होगा हर समय ऐसे लोग आते रहेंगे, तो कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है देश को, आने दीजिए उनको, खूब सिद्धियों का प्रचार करने दीजिए। आपने मतलब अभी तक तो भागवत गीता रामायण बहुत सारे पढ़े होंगे, आप भागवत गीता का मतलब कोई सार बताइए जो मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है भागवत गीता में। पूरी भागवत गीता में 700 श्लोक है, 700 श्लोक में कुछ इंट्रोडक्टरी श्लोक है जैसे परिचय दे रहे हैं कुछ लोगों का जो उसके पात्र है महाभारत के,
और उनको हटा दिया जाए तो लगभग 500 से 550 श्लोक ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक श्लोक अपने आप में दिव्य है। उन श्लोक में से कोई आप एक श्लोक भी उठा लीजिए और उसी को जीवन भर जिए तो आप अपनी जो लाइफ जी रहे हैं ना, मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि आपकी लाइफ में जितने भी सुख दुख आएंगे, भगवत गीता कभी सुख दुख को नहीं मिटा सकती, शिव जी पर जल चढ़ाने से कभी आपके दुख नहीं मिट सकते, हनुमान जी पर चंदन चढ़ाने से, हनुमान जी पर जो चूड़ा चढ़ाते हैं हम, उससे कभी आपके दुख नहीं मिट सकते। अभी मुझसे एक दोस्त मिला आज ही, वो बोला, मैंने कहा तुमने क्या मांगा था उस दिन, बोला कि मैंने मांगा कि मेरे जीवन से सारे दुख मिट जाए। अरे बोल भाई, ये क्या मांग लिया तुमने, पहले तो बड़ा सौभाग्यशाली हो तुम मंदिर जा पाए, वहां भी तुम ये मांगा, ये तो संभव है, तो अभी बच्चा है, कोई बात नहीं। मैं तो गीता का पहलिया तो कोई भी श्लोक उठा लीजिए, लेकिन मेरे लिए जो मैंने स्वाध्याय करके एक श्लोक पाया है जो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सभी में सम रहने वाला साधक मुझे अतिशय प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ये अर्जुन जी से कहते हैं कि सुख दुख, आपको कोई मन से दुख हो गया, किसी असफलता मिल गई, कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, दुख हो गया, होता है, सबको होता है, नेचुरल स्वभाव है कि आपको दुख होगा। कुछ सफलता मिल गई, कोई व्यक्ति जुड़ गया जिसे आप पाना चाहते थे, व्यक्ति आपको पा लिया, मिल गया आपको, एज लाइक आजकल इस उम्र पे जैसे गर्लफ्रेंड पाना चाह रहे हैं, बॉयफ्रेंड, वो हमारा मनोवांछित मिल जाए, कितना खुश सुख होते हैं हम, लेकिन चार दिन बाद वही दुख देता है, वही हमारे इच्छित काम नहीं करता तो हमें दुख भी होता है। इसमें सम रहने वाला जय पराजय, आपने किसी चीज की तैयारी की, पढ़ाई की, बिजनेस की, डॉक्टरी की, आप फेल हो गए तो ज्यादा दुखी न होने वाला, और सक्सेस होने के बाद इतना न सुखी होने वाला कि किसी को गिदाने नहीं। लाभ हानि जय पराजय सुख दुख में सम रहने वाला व्यक्ति, इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ का सिद्धांत। गीता का सबसे कीमती अगर कोई मक्खन है, गीता का कोई अमृत है, तो वो है किसी व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बना देना। स्थित प्रज्ञ साधक इस संसार का सबसे उत्तम व्यक्ति है। रामायण से भी कोई श्लोक, रामायण से चौपाई एक दोहा है कि मैंने जो रामायण का बेसिकली फैमिली ग्रंथ है, रामायण में सब कुछ है लेकिन रामायण फैमिली को गढ़ने वाला ग्रंथ है और गीता एक व्यक्ति को गढ़ने वाला ग्रंथ है। तो रामायण ग्रंथ में एक चौपाई है, श्लोक है कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधान। तो सुमति वो फैमिली ग्रंथ है, तो मैं वहां फैमिली को लेके अपने परिवार में, अपने घर में जो भी लोग हैं, जितने फैमिली वाले, हर किसी की फैमिली है कि सुमति बनाओ। सुमति का मतलब होता है एक जैसी मति। एक जैसी मति का तात्पर्य नहीं कि सब एक जैसा सोचो, जैसे आप और मैं दोस्त है, हमारा फ्रेंड सर्कल है, वहां मेरी बात का आप सम्मान करो, मैं आपकी बात का सम्मान करूं, अपनी वाइफ की बात का तुम सम्मान करो, वाइफ तुम्हारी बात का सम्मान करे। भाई एक जैसा नहीं सोच सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि वो तुम्हारी बात समझे, तुम उसकी बात समझो। अगर ऐसी विचारधारा आप गीत रामायण से उठाते हैं और अपने घर में, अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों में फॉलो करते हैं, तो संपत्ति नाना, आप हजार प्रकार के सुखों को भोगेंगे। अगर लेकिन अगर आपने कंट्राडिक्शन पैदा कर दिया, एक दूसरे से विरोध कर दिया कि तूने कुछ बोला, अरे यार तू तो ऐसे बोलता रहता है, मैंने कुछ बोला यार तुम तो हमेशा ऐसे करते रहते हो, ये क्यों सी सोच होगी। आपकी वाइफ ने कुछ बोला, अरे तुम्हें तो अकल ही नहीं है। आपके पापा कुछ बोले, तुम तो बुढ़े हो गए। छोटे बच्चे ने कुछ मांगा, अरे तुम मांगते रहते हो। ये है कुमति, विपरीत मति। तुम तो तुम विपत्ति ही झेलोगे जीवन भर। रामायण से कोई कहे ना कि मुझे एक मंत्र चाहिए जो जीवन में चमत्कार कर दे, मैं लिख के दे रहा हूं और माइक कह रहा हूं और कैमरा कह रहा हूं कि आप इस चौपाई को याद कर लीजिए, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। आपके संपूर्ण जीवन में दुख नहीं आएगा। कोई कहे ना दुख मिटा दो, मिट गया दुख। तुम जिनके साथ रह रहे हो उनसे अपनी मति मिला लो, तुम जिनके साथ रह रहे हो उनसे अपनी सोच मिला लो, उनका अपमान मत करो और अपना अपना अपमान होने मत दो, आपको दुख मिलेगा ही नहीं। मैं तो ये सीखा हूं। ये जो श्लोक आपने बताया कि मतलब चमत्कार, तो ये आपकी लाइफ में मतलब कितना कारगर है? मेरी लाइफ में इतना कारगर है भाई दीपेश कि मुझे जो देखते हैं, मेरे साथ जो रहते हैं, वही अब कह सकते हैं मेरे जीवन में बड़े से बड़े दुख आ सकते हैं। और काफी, देखो किसी के दुख की कोई सीमा नहीं है और न ये सापेक्षता नहीं है कि हम तुलना करें किसी की। हर किसी का दुख अपने लेवल पे बहुत बड़ा होता है।
मुझे आज तक किसी दुख ने इतना प्रभावित नहीं किया कि मैं जीवन को रोक दूं। लोग रोक देते हैं ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, अपने काम को छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं या जो काम कर रहे हैं उसे छोड़ देते हैं। लोग आत्महत्या तक 24 घंटे के लिए मेरे जीवन में दुख आता है बस। कितना भी बड़ा केस हो जाए मैं खोल नहीं सकता। बहुत केस बहुत बड़े बड़े भी हुए, उम्र के हिसाब वाले कुछ केस, कुछ फैमिली केस, कुछ ऐसे केस हुए जो जिंदगी भर बदलने वाले थे और हमेशा चलते रहते हैं। लेकिन इन दोनों श्लोकों ने, इन दोनों मंत्रों ने कभी नाम को डगमगाने नहीं दिया। सुखे दुखे समीक, जब भी कोई दिक्कत आती है सुखे दुखे समीक रखता लाभ लाभो जय जय तुरंत याद करो और तुम्हारे अंदर देखने का अजीब सा एक कंपन पैदा होगा। कृष्ण की वाणी है भाई, वो ब्रह्म गुरु की वाणी है, ब्रह्म की वाणी है कि सुखे दुखे समीक रखता लाभ लाभो जय जय। तुरंत फैमिली में कोई दिक्कत हो रही है, जहां सुमति वहां संपत्ति ना, कह दो सुमति बना लो। अगर तुम में झगड़ा हो रहा है तुम्हारी विपरीत मति है, तुम एक दूसरे से मति मिला के नहीं चल रहे हो। झगड़े का एकमात्र कारण है पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटी का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, आपकी सोच नहीं मिल रही है। और ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं कि आपकी सोच मिले नहीं, आप बैठो कुछ अपने के लिए डिली टाइट करो, कुछ दूसरे के करवाओ, तुरंत बैठ जाएगा सांचा, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं। तो मैं तो संतुष्ट हूँ, मुझे तो इन दोनों मंत्रों के सिवा कुछ जपने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा तो कृष्ण भी यही मंत्र है और राम भी यही मंत्र है, मेरा तो अध्यात्म भी यही है, मेरा भौतिक भी यही है। जैसे लोग मतलब एक बहुत ही निंदा करते हैं मंदिर बनने का, मूर्ति पूजा को लेकर। हाँ देखो, स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा था कि एक चीज बताइए स्वामी जी, देखो मेरे काम में थे कि आप कहते हो गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि जब भगवान हर जगह है तो आपके देश में मंदिर बना के पैसा खर्च क्यों किया जाता है? भगवान को तो कहीं भी पूछ लो जब हर जगह है तो। स्वामी जी ठहरे कुटिल बुद्धि के व्यक्ति, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। स्वामी जी उनके साथ थोड़ी देर चले और चलने के बाद बातें हुई, तो कोइंसिडेंटली जो व्यक्ति पूछ रहा था उसकी गाड़ी की टायर की हवा निकल गई। कुछ लोग तो कहते हैं कि स्वामी जी दिव्य पुरुष थे तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से वो हवा निकाली, क्योंकि जवाब देना था उन्हें और सटीक जवाब देना था, लेकिन मान लो निकल गई। वैज्ञानिक या वो व्यक्ति बोला, ओह माय गॉड व्हाट इज दिस, अब मैं कैसे जाऊंगा घर, बहुत टाइम खराब होगा मेरा। स्वामी जी बोले क्या हुआ कि मेरे टायर की हवा निकल गई, इंग्लिश में बातें हो रही थी अमेरिका था। तो स्वामी जी बोले एयर इज नॉट वेयर, हवा कहां नहीं है, भर लो, क्यों तड़प रहे हो। वो स्वामी जी की तरफ मुड़ा और देखा कि व्हाट इज दिस, हवा ऐसे कैसे भरी जा सकती है, हवा के लिए तो मशीन चाहिए, हवा के लिए तो व्यवस्था चाहिए। स्वामी जी बोले महाराज ईश्वर इज एवरीवेयर, यू नो आई नो सबको जानता है, लेकिन ईश्वर को पाने का एक सिस्टम है, ईश्वर को जीने का एक सिस्टम है, उसके लिए मंदिर की जरूरत है, उसके लिए गुरु की जरूरत है, उसके लिए साधना की जरूरत है। जिस प्रकार इस टायर में हवा भरने के लिए एक मशीन भी चाहिए, उस मशीन के और टायर के बीच का पाइप भी चाहिए और उस मशीन में एक नोजल भी चाहिए, तब उस हवा को भरा जा सकता। फिर एक मीटर चाहिए कि ज्यादा तो नहीं हो गई या कम तो नहीं रह गई। लेकिन जो अभी के टाइम में भारत में जिस मतलब धर्म के लेकर जैसे कहें कि राजनीति चल रहा है, तो ये मतलब जैसे मंदिर बनाना तो ठीक है, भगवान को अगर चाहते हैं मानते हैं तो मंदिर बना ली, लेकिन जिस टाइप से यहाँ राजनीति चलता है धर्म में, मतलब धर्म के लोग, देखिए इसमें भारत का दोष नहीं है,